नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत बार हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसमें हम लोग देखते होंगे कि वेबसाइट के URL में जो हम लोग ब्राउजर में वहाँ पर लिखते हैं उसके एड्रेस बार में, तो वहाँ पर हम लोग देखते होंगे कि वहाँ पर HTTP कई बार लिखा होता है www. से पहले, और कई बार HTTPS लिखता होगा। तो कई बार मन में सवाल उठता है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं HTTP। जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो HTTP हम लोग यूज़ करते थे। तो HTTP में जो हम लोग यूज़ करते थे, तो इंटरनेट पर डेटा शेयरिंग करना होता था। तो इंटरनेट पर डेटा कैसे शेयर किया जाए, तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग डेटा शेयर करते थे। पर ये उतना सिक्योर नहीं होता था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है सारा HTTP के बारे में। तो आप देखिए इसको जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अनसिक्योर्ड होता है, उतना सिक्योर नहीं होता है। शुरुआत में हम लोग इसी का यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं उन साइट्स पर जिसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसमें आप देखेंगे URL जो शुरू होता है वो HTTP से शुरू होता है, HTTP कॉलन और /forward/ ठीक है। अब जो ये ट्रांसफर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, इसमें कई सारी लेयर होती है, जैसे एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो इसमें HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, सिक्योर्ड होता है, और इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं पर हमें HTTPS में HTTPS देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये HTTP का ही सिक्योर वर्जन है, आप बोल सकते हैं। इसमें SSL एक सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिक्योर होता है, आप देखे होंगे URL में ये HTTPS से शुरू होता है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करता है। यहाँ पर एन्क्रिप्शन होता है और इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हम HTTPS क्यों यूज़ करें, HTTP जब हमें मिल जाता है बिना सर्टिफिकेट के, तो हम HTTPS क्यों यूज़ करें? तो HTTPS हम लोग उस साइट्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर डेटा हमें सिक्योर रखना पड़ता है। जो सर्वर से डेटा हम इंटरेक्ट करते हैं, या जो अपनी इन्फॉर्मेशन हम सर्वर को भेजते हैं, साइट्स पर शेयर करते हैं, अगर उसको सिक्योर रखना है, सिक्योर वे में भेजना है, तो हमें HTTPS का यूज़ करना चाहिए। खास करके उन साइट्स में, जैसे ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, या फिर जैसे बैंकिंग साइट्स होती हैं, या कुछ ऐसी साइट्स जहाँ पर हम लोग सिक्योर वे में इंफॉर्मेशन, जहाँ पर शेयर नहीं करना हो, जहाँ कोई इंफॉर्मेशन आपकी या कस्टमर की कोई हैक ना कर ले, कोई वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा ना ले, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाता है, ये एनक्रिप्ट होकर के फिर इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है इस प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ऐसी जगहों पर हम लोग HTTPS यूज़ करते हैं। HTTP आप लोग नॉर्मल वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर यूज़र अपना डेटा, बैंकिंग डेटा या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, वहाँ पर HTTP यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका कस्टमर यूज़र अगर शेयर करता है, तो उसके लिए हमें HTTPS को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मैं बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगली वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।